सो गाइस, आज के इस वीडियो में एक और डॉट्स आपका मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज का जो स्पेसिफिक कंपैरिजन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टीवीज के ऊपर होने वाला है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है एसर का सुपर सीरीज, जो कि काफी अच्छे फीचर्स के साथ आ रहे हैं और प्राइस देखोगे तो यस, वैल्यू फॉर मनी तो है गाइस। साथ ही देखो सोमी का एक्स प्रो सीरीज, जो सोमी ने मैजिक कूलेट नाम से लॉन्च किया था मार्केट में कुछ यूनिक करने के लिए, और उनका आफ्टर सेल सर्विस भी बाकी ब्रांड से काफी अच्छा है, क्योंकि इंडिया के हर छोटे छोटे सिटीज में इनका आपको सर्विस पॉइंट मिल जाएंगे। साथ ही गैज इसी में आता है TCL C69B, जो कि C61B का एक दूसरा वर्जन है जो Amazon पे अवेलेबल है, और वैसे C61B तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो डोंट वरी, अगर आप वो बाय करना चाहते हो तो C69B एक ऑप्शन है। उसके बाद एक और टीवीज है जो व्यू मास्टरपीस सीरीज है, जिसमें इंटीग्रेटेड साउंड बार मिलता है। तो यस, ये सारे इकोसिस्टम मिल करके आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है जिससे आप बाय नहीं कर पाते हो। और हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि स्मार्ट टीवी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो सोच समझ करके ही बाय करनी चाहिए। तो कोई नहीं गाइस, इस वीडियो में मैं चारों टीवी को एक साथ रखा हूँ और सारे टीवीज का मैं स्पेसिफिक कंपैरिजन करके आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कौन सा टीवी आपके लिए सुटेबल होने वाले हैं। सो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप क्लियर डिसीजन ले पाओगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड ऐसे कंपैरिजन वीडियोज आते रहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक साथ चारों टीवीज है, सोमी MI एक्स प्रो, व्यू मास्टरपीस सीरीज, TCL C69B एंड एसर सुपर सीरीज। इन चारों को मैं एक साथ कंपेयर करूंगा स्पेसिफिक कंपैरिजन, जिससे आपको एक साथ आइडियाज लग जाएंगे कि कौन से टीवीज में कौन सा फीचर्स दिया गया है और कौन से टीवीज में कौन सा ऐसा आपका जो फेवरेट फीचर्स है वो मिसिंग है। तो यहाँ से आपको सिंपली आपको ये सब चीज़ें गाइड मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चारों टीवीज में अवेलेबल है, तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। देखो ये चारों टीवीज क्यूलेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। बाकी मैं बता दूं कि ये चारों टीवी जो है 2024 में ही लॉन्च हुआ है, तो यस इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चारों तो लेटेस्ट ही है, बट फीचर्स क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिसिंग है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है डायरेक्ट, जैसे कि इन द बॉक्स की बात करो तो देखो जो वॉल माउंट स्टैंड है ना, वो आपको व्यू मास्टरपीस में और TCL C69B में ही मिलते हैं, बाकी आपको एसर सुपर सीरीज और सोमी MI एक्स प्रो में आपको वॉल माउंट नहीं मिलेंगे इन द बॉक्स। ओके, तो ये बाकी वारंटी की बात करो गाइस, तो यहाँ पे Xiaomi में एक साल का वारंटी मिलता है, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। View Masterpiece में भी आपको 1 ईयर का वारंटी मिलेंगे और TCL C69B में आपको 2 ईयर की वारंटी मिलते हैं, और Acer Super Series में आपको 1 ईयर की ही वारंटी मिलेंगे। चलो गाइस, अब डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन साइज़ आप देख ही सकते हो, चारों टीवीज 55 इंच के हैं। और बाय द वे मैं बता दूं कि इन चारों टीवीज का जितने भी साइज़ है, जितने भी वेरिएंट आता है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर जो भी टीवी बाय करना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियोज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हो एंड बाय भी कर सकते हो। ओके, रेजुलेशन में ये आपको मैं बता ही दिया हूँ ऑलरेडी कि ये चारों टीवीज 4K रेजुलेशन के साथ आता है। ओके, ब्राइटनेस की बात करो तो यहाँ पे Xiaomi में मेंशन नहीं है, बट Xiaomi में आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस मिल जाता है। व्यू मास्टरपीस में 400 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, TCL C69B में 450 निट्स ब्राइटनेस दिए गए, तो Acer में आपको सुपर ब्राइटनेस मिल जाता है। बाकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करो तो सिर्फ TCL ने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। रिफ्रेश रेट की बात करो तो चारों ही टीवीज में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाते हैं। एस्पेक्ट रेशियो की बात करो तो 16:9 रेशियो आपको चारों टीवीज में मिलेंगे। व्यूइंग एंगल की बात करो तो 178 डिग्री हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आपको मिल जाते हैं Xiaomi के टीवी में एंड Acer सुपर सीरीज में। बाकी आपको व्यू मास्टरपीस एंड TCL C69B यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। HDR की बात करो तो चारों टीवी में HDR सपोर्ट्स मिल जाते हैं। HDR फॉर्मेट्स टाइप्स की बात करो तो Xiaomi में आपको HDR 10, HDR 10 प्लस, HLG, Dolby Vision का सपोर्ट मिल जाएंगे। View मास्टरपीस में आपको HDR 10, HDR 10 प्लस एंड HLG का सपोर्ट मिल जाते हैं। TCL C69B की बात करो तो यहाँ पे HDR 10 प्लस, HLG एंड Dolby Vision का सपोर्ट मिल जाते हैं। Acer सुपर सीरीज में HDR 10, HLG एंड Dolby Vision का सपोर्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप चारों ही टीवीज के जो HDR फॉर्मेट्स टाइप है, इनका डिफरेंट एक साथ पता लगा सकते हो कि क्या कुछ डिफरेंट है। हाई फ्रेम रेट की बात करो तो 3 टीवी में तो कुछ भी मेंशन नहीं है। TCL यहाँ पे
TCL ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ES 4K 120 हर्ट्ज। टिकल डिजाइन की बात करूँ तो ये मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे आप स्क्रीन पे मैं जूम कर देता हूँ, इसको आप देख सकते हो बिकॉज, और साथ ही यहाँ पे व्यू मास्टर पीस ने अपना फिजिकल डिजाइन का कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। वीडियो डिपार्टमेंट की बात करो तो यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट टाइप सपोर्ट यहाँ पे आप देख ही सकते हो, सिर्फ Xiaomi ने मेंशन किया है, बाकी 3 TV कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं। इमेज फॉर्मेट सपोर्ट में भी सिर्फ Xiaomi ने ही मेंशन किया है, बाकी 3 TV कुछ भी मेंशन नहीं किया है। वैसे ये आपको डे टू डे लाइफ में उतने ज़्यादा काम भी नहीं आने वाले हैं। पिक्चर प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ TCL ने मेंशन किया है AIPQ प्रोसेसर, जो कि पिक्चर को ऑप्टिमाइज करके आपको बेटर आउटपुट देते हैं, जिससे आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस TCL के TV में काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब स्केलिंग फीचर्स की बात करो तो 3 TVs में मेंशन है Xiaomi, VU एंड एसर में, और यहाँ पे TCL में कुछ भी मेंशन नहीं है अप स्केलिंग फीचर्स के बारे में। ये अप स्केलिंग फीचर्स काफ़ी काम के होते हैं अगर आप बिग साइज स्क्रीन TVs कुछ भी बाय करते हो तो, बिकॉज वहाँ पे आप अगर नॉर्मल कंटेंट देख रहे हो तो उसको आप स्केल करके 4K के नियर ले जाते हैं और फिर आपको बेटर आउटपुट देता है, जिससे आपका ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर हो जाते हैं नॉर्मल कंटेंट में भी। वाइड कलर गामट की बात करो तो यस चारों ही TVs में अवेलेबल है, बट TCL यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है, यस 95% DCI-P3। ओके गाइज, ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ऑडियो फॉर्मेट सपोर्टेड में आप देख सकते हो ये भी सिर्फ Xiaomi ने मेंशन किया है, जैसे कि वीडियो में मेंशन किया था वैसे ऑडियो में भी सिर्फ Xiaomi ने मेंशन किया है, बाकी ये 3 TVs कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं। स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2.0 चैनल दिए गए हैं Xiaomi के TV में, यू ने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किए गए हैं, TCL में 2.1 चैनल मिलते हैं और Acer ने भी यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करूं तो Xiaomi में 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं और जो VU का TV है इसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, TCL में आपको 2 स्पीकर मिले, Acer यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं। टोटल स्पीकर आउटपुट की बात करो तो 30 W का आउटपुट आपको मिल जाते हैं Xiaomi के TV में, 88 W का आउटपुट आपको मिलते हैं VU के TV में, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड साउंड बार दिए गए हैं, तो यस यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना का डिफरेंट है गाइस, 3x डिफरेंट है Xiaomi के कंपैरिजन में VU का TV का जो ऑडियो डिपार्टमेंट है उसमें। और वही TCL की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 W का आपको आउटपुट मिलता है, एंड वही Acer की बात करूँ तो यस यहाँ पे भी आपको 80 W का स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप चारों TVs का एक साथ आइडियाज लगा सकते हो कि कौन से TVs में कितना वॉट का स्पीकर मिलता है और कौन से TVs में पावरफुल स्पीकर दिए गए। आउटपुट पर स्पीकर की बात करूँ तो जो Xiaomi का TV है इसमें 15 W का आउटपुट मिलेंगे एक स्पीकर पे, और VU का TV है उसमें आपको 22 W का आउटपुट मिलते हैं पर स्पीकर पे, और जो TCL का TV है इसमें 10 W का आउटपुट मिलते हैं पर स्पीकर पे। और यहाँ पे ये कुछ भी मेंशन नहीं किया है Acer ने, और ये भी नहीं मेंशन किया है कि इसने कितने स्पीकर यूज़ किए हैं अपने TVs में, तो खैर ये आपको फाइनल रिव्यू में पता चल जाएंगे। बाकी नंबर ऑफ सब वूफर की बात करूँ बिकॉज आजकल सब वूफर भी आने लगे हैं जो कि बिग साइज स्क्रीन TVs आते हैं उसमें, तो 2 TVs में तो कुछ भी सबवूफर वाला फीचर्स नहीं दिए गए हैं, बट आपको TCL में 1 सबवूफर मिलते हैं और Acer में 2 सबवूफर दिए गए हैं। यस Acer ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है। आउटपुट पर सबवूफर की बात करो तो यस 15 W का आउटपुट मिलते हैं TCL के सबवूफर से, और जो Acer का सबवूफर है वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितने वॉट का सबवूफर दिया गया है Acer के TV में। और हाँ, VU का जो TV है जिसमें इंटीग्रेटेड साउंड बार मिल ही जाते हैं तो इसमें सबवूफर का कोई नीड्स है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस TCL ने और Acer ने सोचा कि मैं इंटीग्रेटेड साउंड बार नहीं दे रहा हूँ तो सबवूफर से वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देता हूँ अपने जो भी बायर्स है, जो भी उसका कस्टमर है उसको, तो ये चीज़ तो फुलफिल कर दिया है Acer और TCL ने। लेकिन Xiaomi में आपको ना तो सबवूफर मिलते हैं और ना ही इंटीग्रेटेड साउंड बार मिलते हैं, तो अलग से भी इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है अगर आप अच्छी क्वालिटी की साउंड आउटपुट चाहते हैं तो। बाकी साउंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो Xiaomi के TV में आपको डॉल्बी ऑडियो, DTS:X, DTS:Virtual:X का सपोर्ट मिलता है। वही VU की बात करूँ तो यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलते हैं। फिर TCL की बात करूँ तो यहाँ पे डॉल्बी ऑटमोस, DTS:HD एंड DTS:Virtual:X का सपोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो Acer का TV है इसमें आपको डॉल्बी ऑटमोस का भी सपोर्ट मिल जाते हैं। साउंड मोड की बात करूँ तो यहाँ पे 3 TVs कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्पीच म्यूजिक स्टेडियम यूजर ये Acer के TV में मेंशन है, और ये चीज़ ये जो फीचर्स है ये आपको सारे TV में
लगभग लगभग मिल ही जाते हैं। अदर ऑडियो फीचर्स की बात करूँ तो ये भी तीन टीवीज मेंशन नहीं किए हैं। एसर में आपको मिल जाते हैं हाई फिडेलिटी स्पीकर विथ गीगा बास एंड डुअल एम्पलीफायर वूफर ट्विटर, ये अदर साउंड फीचर्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ एसर में। अब गाइज कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो देख सकते हो यूएसबी पोर्ट्स की बात करूँ तो Xiaomi में तीन यूएसबी पोर्ट्स दिए गए हैं। जो Viu का टीवी है इसमें दो यूएसबी पोर्ट्स आपको मिलेंगे, TCL में आपको एक यूएसबी पोर्ट्स दिए गए हैं एंड जो Acer का टीवी है इसमें दो यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। HDMI पोर्ट्स की बात करूँ तो यस, जो तीन तीन HDMI पोर्ट्स हैं ये चारों ही टीवी में आपको मिल जाएंगे। HDMI वर्जन की बात करूँ तो क्योंकि ये बहुत ही मायने रखती है क्योंकि लेटेस्ट टीवीज में लेटेस्ट HDMI वर्जन होना बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है बिकॉज उसी में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चीज़ें जो हैं गेमिंग्स वगैरह वो चीज़ सपोर्ट करते हैं, जैसे कि गेमिंग कंसोल हो जाते हैं, अदर डिवाइसेस हो जाते हैं, जो जिस भी डिवाइस का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 2.1 का चैनल आपको चारों टीवीज में मिल जाते हैं और यही है HDMI वर्जन का लेटेस्ट। तो डोंट वरी, सारे लेटेस्ट फीचर्स का आप मजे ले सकते हो इन चारों टीवीज के HDMI वर्जन से। RF इनपुट एनालॉग की बात करूँ तो यस, चारों ही टीवी में एक एक दिए गए हैं। कंपोनेंट आउटपुट पोर्ट्स की बात करूँ तो सिर्फ और Viu में आपको मिलेंगे एंड Acer में आपको मिलेंगे। हेडफोन स्पीकर्स आउटपुट पोर्ट्स की बात करूँ तो ये भी चारों ही टीवी में दिए गए हैं, बट TCL यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। HDPC की बात करूँ तो सिर्फ आपको TCL में ये चीज़ आपको मिलेंगे। HDMI CEC बग की बात करूँ तो ये चीज़ आपको Viu में मिलते हैं और TCL में मिलते हैं, बाकी दो टीवी में नहीं दिए गए हैं। HDMI ऑडियो रिटर्न चैनल की बात करूँ तो ये आपको चारों ही टीवी में मिल जाते हैं। ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट की बात करूँ तो ये आपको Xiaomi में और Viu में मिलते हैं, प्लस Acer में भी मिल जाते हैं, TCL में ये चीज़ नहीं दिए गए हैं। स्क्रीन मिररिंग की बात करो तो चारों ही टीवीज में आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं एंड मीरा कास्ट की बात करो तो Xiaomi के टीवी में और TCL के टीवी में मीरा कास्ट दिए गए हैं। बिल्ट इन क्रोम कास्ट की बात करो तो ये भी चारों ही टीवी में अवेलेबल है, बट TCL ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ईथरनेट की बात करो तो ये भी चारों टीवीज में आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ पे Viu ने मेंशन नहीं किया है। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं करते हैं इस साइड पे, जो चीज़ उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं टीवीज में, ये लोग अपडेट नहीं करते हैं उस चीज़ को। चलिए गेमिंग फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो Xiaomi में दिए गए हैं, उसके बाद आपको TCL में मिलते हैं, उसके बाद आपको Acer में भी मिल जाते हैं। HDRG की बात करूँ तो ये भी आपको Xiaomi में मिल जाएंगे, बाकी तीन टीवीज में नहीं दिए गए। गेम ऑप्टिमाइज़र की बात करूँ तो तीन टीवीज में मिल जाते हैं, Xiaomi, Viu एंड TCL में, और जो Acer का टीवी है इसमें गेम ऑप्टिमाइज़र फीचर्स नहीं दिए गए। ऑडियो और लो लेटेंसी मोड की बात करूँ तो यस, ये भी आपको चारों ही टीवीज में मिल जाते हैं, बट यहाँ पे TCL ने नहीं मेंशन कर रखा है। पावर सप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो चारों टीवीज का पावर सप्लाई क्या है और कैसा कुछ है। रिमोट कंट्रोल की बात करूँ तो देखो, चारों ही टीवीज में आपको ब्लूटूथ रिमोट मिल जाते हैं, जो आप किसी भी रूम से भी कंट्रोल कर सकते हो और ऐसे करके भी कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टीवी के सामने ही रख करके कंट्रोल करना है, और यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल आपको मिल जाते हैं तीन टीवीज में, बाकी Viu यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो शायद Viu में यूनिवर्सल कंट्रोल रिमोट नहीं मिलेंगे, बाकी आप चारों ही टीवीज के रिमोट से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, स्मार्ट फीचर्स की बात करते हैं तो स्मार्ट टीवी देख सकते हो, ये चारों ही टीवीज तो स्मार्ट टीवी है, लेकिन मजे की बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो OS आता है वो चारों ही टीवीज में सेम है। ये गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों ही टीवीज के अंदर आपको मिल जाते हैं। ऐप स्टोर टाइप की बात करूँ तो देखो, लगभग लगभग जितने भी गूगल टीवीज आते हैं सब में प्ले स्टोर दिए जाते हैं, जिससे आप अदर ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस टाइप के ऐप्स। लेकिन तीन टीवीज जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि हम प्ले स्टोर दे रहे हैं अपने टीवीज के अंदर, तो वो आप फाइनल रिव्यू में वो चीज़ आप देख सकते हो उस चीज़ को। लेकिन आई थिंक चारों टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है मेरे अकॉर्डिंग। वाईफाई की बात करूँ तो चारों टीवीज में वाईफाई दिए गए हैं, और डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाते हैं चारों ही टीवीज में। वॉइस असिस्टेंट की बात करूँ तो यस, चारों ही टीवीज में वॉइस असिस्टेंट दिए गए हैं, Acer ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। वॉइस सर्च भी चारों ही टीवीज में मिल जाते हैं, बट Xiaomi और जो Viu का टीवी है ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन TCL और Acer ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ब्लूटूथ की बात करूँ तो चारों टीवीज में ब्लूटूथ सपोर्ट मिल जाते हैं। एंड प्रोसेसर की बात करूँ तो Xiaomi में आपको Cortex A55 प्रोसेसर दिए गए हैं, जो कि हैवी प्रोसेसर है गाइस और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है स्मार्ट टीवीज में। और TCL का जो टीवी है इसमें आपको AIPQ प्रोसेसर मिल जाता है, जो पिक्चर क्वालिटी को और भी ऑप्टिमाइज करके बेटर करने का ट्राई करता है। बाकी दो टीवीज अपने प्रोसेसर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं। प्रोसेसर कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो
एसर ने मेंशन किया कि 4-कोर प्रोसेसर हम दे रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रोसेसर दे रहे हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया। चलो भाई मैं तुम्हारा प्रोसेसर देख ही लेता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया हूँ एसर के ऑफिशियल साइट पे, तो यहाँ पे देख सकते हो एसर ने मेंशन किया अपने ऑफिशियल साइट पे कि इंडियाज फर्स्ट डुअल एआई प्रोसेसर आर्किटेक्चर दिए गए हैं, जो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इसके बारे में। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो। तो 120 हर्ट्ज किया गया है। ओके, यहाँ पे स्मूथ थिएटर फ्री एक्शन के लिए 120 हर्ट्ज़ VRR डिलीवर्स फील्ड गेमिंग फ्रॉम इंटेंस बैटल ऑफ स्क्रीन एक्सप्लोरेशन दिए गए हैं एसर के टीवी में। वाओ, काफ़ी अच्छा है यार, एसर के टीवी में लेटेस्ट AI वाले जो प्रोसेसर है वो दिए गए हैं। बट यहाँ पे इसको शर्म लगता था फीचर्स बताने में, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। हो सकता है लेटेस्ट है गाइस, तो ये लोग अपडेट नहीं किया होगा, बट डोंट वरी, आप ऑफिशियल साइट से भी चेकआउट कर सकते हो। और ग्राफिक प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे Xiaomi में देख सकते हो माली G52MC1 दिए गए हैं, और उसके बाद जो Acer का टीवी है उसमें IMGBXE दिए गए हैं, और जो दो टीवीज है VU और TCL ये मेंशन नहीं किया। रैम की बात करूँ तो चारों टीवीज में आपको 2-2 GB का रैम मिलता है। एंड स्टोरेज की बात करूँ तो Xiaomi में 32 GB का स्टोरेज मिलता है, वही VU में आपको 16 GB का स्टोरेज मिलता है, TCL में आपको 32 GB स्टोरेज मिलता है, और जो Acer का टीवी है इसमें 16 GB का स्टोरेज मिलता है। एंड सपोर्टेड ऐप्स की बात करूँ तो जैसे कि आपको बताया हुआ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार एंड अदर ऐप्स, कुछ इस टाइप के जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे ऑल टीवीज में आते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो डोंट वरी, आप उसको अनइंस्टॉल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो और अदर ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलो गाइस, ये था चारों ही टीवीज के बीच का स्पेसिफिक कंपैरिजन वीडियो, जिससे आपको चारों ही टीवीज का फीचर्स देखने के बाद एक साथ सारे फीचर्स जब आप देखते हो तो आइडियाज लग जाता है कि कौन सा टीवी में किस टाइप के फीचर्स आपको मिल रहे हैं और कौन से टीवीज में आपका फेवरेट फीचर्स जो है, जो चीज़ आपका रिक्वायरमेंट है वो चीज़ मिसिंग है। चलो खैर कोई नहीं, ये चीज़ आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगे डिसीजन लेने में। इन चारों ही टीवीज को फीचर्स देख करके मैं आपको बता देने वाला हूं कि कौन सा टीवीज #1 पे होने वाले हैं और कौन सा लास्ट में होने वाले हैं। तो यस, 1 नंबर पे आपको होंगे Acer का टीवी, जो Acer सुपर सीरीज है, और Xiaomi का टीवी, ये दोनों 1 नंबर पे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी Xiaomi का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है Acer के कंपैरिजन में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यस, आप Acer सुपर सीरीज को जरूर देख सकते हो। 2 नंबर पे गाइस यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन 3 नंबर पे जो मेंशन किया गया है वो TCL C69 भी है। अगर आप Acer और Xiaomi टीवी को एस्केप करना चाहते हो तो TCL C69B की तरफ आप जा सकते हो। एंड लास्ट में VU Masterpiece सीरीज, तो उस चीज़ को भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको इन बिल्ट साउंड वूफर चाहिए तो, क्योंकि इन बिल्ट साउंड वूफर आपको सिर्फ और सिर्फ VU Masterpiece सीरीज में मिलते हैं। ओके, यहाँ से अब हो गया आपका सारा डॉट्स क्लियर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो रिकमेंड करने वाला हूं, जिससे आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे और शायद आपको रिग्रेट फील भी नहीं होंगे बाय करने के बाद। तो देखो, इन चारों टीवीज का स्पेसिफिक कंपैरिजन जब आप देख लियो हो, आपको ये चीज़ पता चल गया है कि कौन सी टीवीज में आपके नीड्स के अकॉर्डिंग फीचर्स मिल रहे हैं, उस टीवीज का आप क्या करना, तो एक फाइनल रिव्यू वीडियो देखना। और वैसे भी मैं बता दूं कि ये चारों टीवी 2024 में लॉन्च हुआ है, तो जो लोग स्मार्ट टीवीज का रिव्यू करते हैं, जो बिग चैनल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे बाय करके रिव्यू करते हैं, रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, रियल लाइफ पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताता है। तो अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड हो जाते हो उसके परफॉर्मेंस और पिक्चर क्वालिटी देख करके, तो यस, यू कैन गो फॉर बाय इट। एंड लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि इन चारों टीवीज का जो जितने भी वेरियंट्स है, सबका लिंक, एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जब भी आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार वहाँ से चेकआउट करना, और वहाँ पर आपको सस्ती प्राइस में मिल रहे हैं अगर फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में, तो यस, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कौन सा टीवी आप बाय कर रहे हो ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड स्पेशली ऐसे वीडियोस आते ही रहते हैं, सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी शॉपिंग एंड टेक केयर।